किशन बाग में जो ये बता रहा हूँ आपको, ये जानवरों के साथ कैसा दुराचार और शोषण किया जा रहा है। अब ये पशु है, ये केल्डी है या केल्डा, अब ये कोई काम का नहीं है, इसका कोई धनी सोची नहीं है, इसको लाके कहीं गांव में से लाके बगाए रख लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं। अब ये घने जंगल में, ये पूरा ये जंगल है, इस जंगल में पूरी रात ही अकेला ये बैठा हुआ है, इसके कान पे कोई जरख आते हैं यहाँ पे और बघेड़ा वगैरह आते हैं, तो किसी जरख ने इसके कान को नोच लिया, फिर इसको तो मक्खियाँ बनबरा ली है और कोई इसका धनी सोटी नहीं, इसको संभालने वाला जरख ने इस पर हमला किया था कान के ऊपर, तो काम तो गा हो रहा है। अब घर जाऊँगा, घर जाके इसके कार्य करना पड़ेगा, इसके इलाके मेरे को पट्टी बांधनी पड़ेगी, जो बेटाडीन पड़ी मेरे पास, वो बेटाडीन लगो तो मक्खियाँ परेशान कर दी, और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सहायक के रूप में मैं कार्यरत हूँ, इसलिए मेरे को ये कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर बताया गया कि किसी भी जानवर के साथ में कोई ऐसा दुराचार होता है तो क्रूरता करता कोई इंसान, तो उसके वीडियो बना के आप पेश कर दो। तो मैं अभी प्रेस होने के लिए आया हुआ हूँ, जब ये देखा है इसको तो इसको देख करके ये वीडियो बनाया है मैंने, तो मेरा कार्य यही है कि मैं जानवरों की सेवा कर सकूँ, और उसी कारण से मेरे को घर जाना पड़ेगा, बेटा टीम ले जानी पड़ेगी, क्योंकि गाँव देख रहा हूँ कि किसी जरख ने इसके गाँव कान के ऊपर किया है, तो बहुत तगड़ा कान पकड़ते हैं जरख वगैरह, इसलिए ये मक्खियाँ आ गई है, मच्छर इसको परेशान कर रहे हैं, कोई नहीं सोचती है इस बारे में। अभी इस मकान में रह रहा हूँ मैं, किराए से जानवरों पर देख रेख के लिए, फिर खेल दिया मेरी गाय उठवा दिया, उस व्यक्ति का भी पता चल गया मेरे को, इसने उठवाई, उसका खुलासा मैं अंत में करूँगा, पहले मैंने गायों को छोड़ा, उस गाय का इलाज करेंगे थोड़ा। अभी तेल या पाल रहा हूँ, देखो मैं सुबह चारा वगैरह सब खिला देता हूँ, खाली टहलाने के लिए इनको भेजूँगा, बाकी शाम को आके वही उनको चारा खिलाऊँगा। और मेरे कुत्ते हैं जी, जिनकी देख रेख कर रहा हूँ मैं, मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल से जीव जंतु कल्याण बोर्ड पर मैंने पढ़ा समझा, तो वहाँ पर जीवों के प्रति प्राकृतिक प्रेमी, इसलिए जीवों प्रति दया धर्म का काम, इसलिए जानवरों की सेवा कर रहा हूँ मैं। और ये तब भरा पूरा मेरा घर है, मेरा जो कार्य वो कर रहा हूँ, पहले इनको खोल के इनको छोड़ जाता हूँ, गाय का इलाज कर जाता हूँ। ये लाल दवा लीजिए, दवा लाल दवा है जिससे मच्छर मक्खी वगैरह नहीं बैठते, ये सब जेब से ला के रख रखे मैंने, मेरे को अभी कोई सहयोग नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि कोई बड़े VIP कोठे गए जो धर्म वगैरह करते हैं तो वो सहयोग करे, उसमें बेटा डीन की बड़ी शीशी लाए तो रिक्की सी ले गई, तो ये बेटा डीन लेके जा रहा हूँ, बेटा डीन से काम करा, बेटा डीन का हावर सी है और जल्दी से सही कर देती है, और ये रुई है और ये कान पे बांधने के लिए पट्टी है, बस सारा चीज़ इसमें बना के रख रखा हूँ, मेरे पास तीसरी व्यवस्था है, फिर कॉलोनी कह रहे घंटे से आपसे काम कर रहा हूँ, ना मैं जानवर पर एहसान कर रहा हूँ, ना किसी व्यक्ति पर एहसान कर रहा हूँ, मेरा फर्ज उसको निभा रहा हूँ। अब इनको टहलाने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो पहले इनको रोटी वगैरह खिला के ले जा रहा हूँ, सारी रोटी खाने से खुश हो जाती है मेरे कॉलोनी में, वहाँ से गायों के लिए पड़ोसियों से रोटियाँ वगैरह सब आ जाती है, ला दे बेटा इधर आ दूँ, इधर आ ले इसमें खा ले, ये रही यहाँ पर खा ले, तू भी खा ले, टाइम पर आ जाना बेटा शाम को, चलो तुम्हारे को ले चलता हूँ, आयो। अब ये मेरे जो कुत्ते हैं उनके दूध का और दूध रोटी वगैरह खिलाता हूँ उनके, इसलिए उनके दूध वगैरह के लिए इन गायों का पालन कर रहा हूँ, बाकी हमारे तो खाली चाय पीते हैं, चाय का काम है, उस गाय का भी यही काम करते थे सारा दूध, इन बच्चों कुत्तों को पिलाते थे कि बाजार से लाते, अभी मेरे पास वो गाय निकल गई, वो 8-9 महीने में ब्याज जाती, क्रॉस करवाई थी उसको यहाँ पर, तो पहले उसकी माँ को इंजेक्शनों से बच्चे पैदा करवाए थे, तो मैंने वहाँ बैल से करवाए तो उसके वही, और ये सामने मेरी जा रही है लक्ष्मी, ये भी बैल से कर सांड से करवाई मैंने क्रॉस, लक्ष्मी आ जा, अभी आराम कर जाएगी उधर निकल जाएगी, लक्ष्मी आओ बेटे, अब जिद्दी हैं उधर चल जाएगी, उधर घूम फिर के आ जाएंगी, और कुछ नहीं है खाली चारा का समय हो जाता, फिर घर पर बगैर जंगल में बिल्कुल हरा चारा होगा, लेकिन नहीं खाती लक्ष्मी, नहीं जाएगी तो बागुआ तो भी नहीं आएगी, अभी घूम फिर के आएगी जाके, उस गाय का इलाज कराता हूँ चल के, डंडे को छना पड़ेगा हमको, कोशिश करता हूँ,
लगवा बड़े ये चलो कान में कहा हो रहा है मिल जाएगा मत ज्यादा पहले जा रहा है खैर दो आदमी का काम होता है तो आदमी साथ में देकर मेरे को काम करवाना चाहिए खैर अभी अकेले से बाहर नहीं पड़ेगी दवा लगाई थी इसमें ले गया दवा खराब हो जाती है मेरे यहाँ कई आदमियों से बात कर भी नहीं आ रही थोड़ा मेरे सहायक बन के रूप बन गए और मेरे साथ में लग के थोड़ा जानवरों का इलाज करवा दिया करो निकल लिए उधर अब अकेला व्यक्ति कोशिश ही कर सकता मेरे दीवार पर हाथ लगने से हाथ से गया अभी मच्छरों से क्या परेशान थी दाग ज्यादा फैल रहा था इसलिए ये लगवा लो बेटा ये लगवाई किसी व्यक्ति को बोलूंगा अगर कोई साथ आएगा तो जान चाहिए क्योंकि भाई दवा और खराब नहीं अभी हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने जी नाम क्या उनका भूल जाता हूँ उनका ये बच्चा है जो कोशिश कर रहा है आराम से पकड़ेगा जब आ जाएगी पकड़ में अब ऐसे बस अनुभवी बच्चे चाहिए जो कैरेक्टर के रूप में काम कर सके ऐसे जानवर खाए बिचकेड़ा है जो बहन से भाग है भी सारा ऐसे सोचे जाने खाए कर ला नली में ऊपर न चढ़ जाए पे आ गया ऊपर जाली बड़े लिया ले ले लपक ले ले एक बार ले तो लपक ले देगा आएगी हाँ बस बस हो गया काम अब लगवा ले ली दो भैया दो आदमी भी ना कौन सा रहे अकेले वहाँ से छिल गए और मैं यार अरे ये बच्चा मेरा जो साथ दिया है अच्छा है डर मोबाइल बच्चों को भी ये बताया था ना कि देखो पकड़ने से काम हो जाता है बच्चे ने काम करवा दिया धन्यवाद करता हूँ बच्चे का छोड़ दे बेटे अब ये क्या ना मच्छा बैठेगी ना परेशान होगी पट्टी कर दी कुछ भी नहीं लगा मेरा मैं से दानी पुण्यों के लिए कहता हूँ कि थोड़ा जैसे मैं अपने बजट में से जोड़ तोड़ के दवाओं का जुगाड़ करता हूँ तो मेरे को सहायता मिल जाए तो क्या कॉलोनी के अटैकरों के होने के कारण कॉलोनी में परेशान जानवरों का इलाज कर सकूं और ज़्यादा परेशानी हो तो इनको हॉस्पिटल भिजवा सकूं अब मुझे ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो मेरे साथ रह के मेरे सहयोगी का काम कर सकें वीडियो को यहीं ऑन ऑफ करता हूँ अभी आराम से उसका क्या बारिश का समय तो घाव नहीं पड़ेगा भाई बेटा डीन यही काम करती है घाव को जल्दी से रिपेयर कर देती है और वो सही हो जाएगी आराम से घूमती रहेगी मक्खी मच्छर वगैरह परेशान नहीं करेंगे उसको बस यही जानकारी रिपोर्ट तैयार करनी थी मेरे को इसमें किसी का भी आदमी जो सामने मिल जाए तो उसको दोषी ठहरा सकते लेकिन या कोई व्यक्ति ऐसा मिलता नहीं जो धनी बने इनका